स्थिति और यही हुआ, यही एंड रिजल्ट आया है. लेकिन जो एक और एस्पेक्ट है, देखिए ये जो एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक जिमनी तौर पर हम इसे एक एसोसिएटेड पॉइंट्स के तौर पर देखेंगे. मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि रूरल इंडिया में या कई सारी इंटरनल सिटीज, जो इंटरनल एरियाज में कोस्टल रीजन से दूर जो सिटीज होती है, ऐसी कई सिटीज में आप देखेंगे कि औरतें जब घर से बाहर जाती हैं, नॉट ओनली मुस्लिम, मैंने खुद ऑब्जर्व किया था एंड क्वाइट सरप्राइजिंगली जब मैंने पहली बार देखा तो आई वॉज प्रिटी टेकन अबैक. मैंने देखा कि कई सारी औरतें कई रिलीजन्स की जब बाहर जा रही हैं तो पूरी तरह से नकाब करके जा रही हैं, पूरी तरह से दुपट्टे को अपने चेहरे पर लपेट करके जा रही हैं, अपने आप को अच्छी तरह से कवर करके जा रही हैं. अब ऑब्वियसली वजह क्या है, उसके पीछे वजह यह है कि स्किन पर इफेक्ट पड़ता है. जब सनलाइट्स आए तो स्किन और कॉम्प्लेक्शन वगैरह पे तो इफेक्ट पड़ता है, बल्कि उसके अलावा जो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आते हैं. लेकिन ये चीज अमेरिका के अंदर जहां एक ज्यादा एक्सपोज टाइप का कल्चर चलता है, वो एक्सपोज कल्चर का रिजल्ट क्या है, एक टाइप का स्किन कैंसर है जिसका नाम है मेलानोमा. मेलानोमा कैंसर एक इतना डेडली टाइप का कैंसर है कि स्किन कैंसर से जितने लोग मरते हैं उसमें से 75% मेलानोमा कैंसर से मरते हैं. सारे किस्म के कैंसर्स को जब मिलाया जाए तो उसमें से जो टॉप 7 मोस्ट डेंजरस कैंसर है उसमें से मेलानोमा कैंसर है. मेलानोमा कैंसर जो औरतों को होता है, ये कब होता है, जब सन रेज के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज है, वो अल्ट्रावायलेट रेज जब लगती हैं, तो ये रिपोर्ट्स आप खुद पढ़ सकते हैं, उसके अंदर आता है औरतों को आमतौर पर मेलानोमा कैंसर होता है लेग एरिया में. अमेरिका में लेग एरिया में, लेग्स पर होता है. लेग्स क्योंकि एक्सपोज होते हैं मिनीज वगैरह की वजह से, तो ये एक्सपोज होने की वजह से सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो सनलाइट की वजह से मेलानोमा कैंसर कॉज होता है. हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक एडिशनल एसोसिएटेड पॉइंट है कि अगर वो लेग्स कवर्ड होते हैं, और कवर्ड में भी अगर मान लीजिए पतले लिबास से कवर्ड है जो ट्रांसपेरेंट है, तो उससे वो सन की रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो नुकसान पहुंचाती है, वो नहीं रुकती है. बल्कि एक नॉन ट्रांसपेरेंट लिबास हो, जैसे कि इस्लाम चाहता है, तो ये लिबास की वजह से उनको वो स्किन कैंसर नहीं होगा. तो जनरली जो सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं या ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि मर्दों और औरतों दोनों को होते हैं. मेलानोमा कैंसर के अंदर भी औरतों में एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, और औरतों के ताल्लुक से खास स्टैटिस्टिक्स है कि उनकी लेग एरियाज में होते हैं. तो अगर वो अपने आप को कवर करती तो ये एक चीज़ से बच सकती थी बहुत आसानी से. लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई अगर कवर करे, उसकी वजह ये नहीं होनी चाहिए स्किन कॉम्प्लेक्शन लेग. हम वही फर्स्ट पॉइंट पे वापस जाएंगे, उसकी वजह होनी चाहिए बिलीफ. उसकी वजह होनी चाहिए कि मेरे मालिक ने कहा है, जो मेरे बनाने वाले ने कहा है, वो बेटर जानता है, वो हमारा खैर खा है. हमने देखा पर्सनल जिंदगी से लेकर सोशल लाइफ से लेकर पूरी पूरी सोसाइटी को कितने कितने तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अगर ये सिस्टम ब्रेक होता है. तो हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर इस बारे में बहुत आसान है कि बहुत सारे लोग इसमें आर्ग्यूमेंट मोड में आ जाते हैं. इसे समझते हैं कि हमारा एक बर्थ राइट है, वो हमसे लिया जा रहा है. हम कह रहे हैं नहीं ले रहे हैं. देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे इस तरह की ब्रांडिंग लगा दी जाती है कि जैसे ये लोग तो मोहब्बत के दुश्मन है, प्यार के दुश्मन है. भाई हम लोग प्यार के दुश्मन नहीं है. हस्बैंड वाइफ प्यार करें, उससे कौन रोक रहा है? वाइफ अपने आप को ब्यूटीफुल बनाए अपने हस्बैंड के लिए, उससे कौन रोक रहा है? हम खिलवाड़ के दुश्मन है, हम इस तरह से जिंदगियों को बर्बाद करने के दुश्मन है. हम चाहते हैं कि लोग रियलाइज करें कि कितने सारे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हैं जो हाईलाइट रियली नहीं किए जा रहे. और हो सकता है कि कोई इंसान जो पहली बार इस बात को सुन रहा है, वो सुनकर जरूरी नहीं है कि पहली बार में अग्री भी करे, उसे चाहिए थोड़ा गौर करे, उसे चाहिए थोड़ा स्टडी करे, उसे चाहिए थोड़ा खुले जहन के साथ सोचे. तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियसली दिख सकती है कि भाई हम कोई चीज के खिलाफ नहीं है. हम मियाँ बीवी के अट्रैक्शन के खिलाफ नहीं है, हम मर्दों और औरतों के अट्रैक्शन के खिलाफ नहीं है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि औरतों को एक पिंजरे में डाल दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों को जिंदगी भर के लिए अलग कर दो. एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में उन्हें बचाना चाहते हैं, बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ, जो एक बहुत हेल्दी तौर पर. ठीक है, मैं एक बहुत